चलिए भाई आज हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट ए और सेकंड ए में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ए को हम कहते हैं अल्कली मेटल और सेकंड ए को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में वो दो बोलो सब ग्रुप में रखे गए हैं, पहला फर्स्ट ए और सेकंड ए। ठीक है, फर्स्ट ए का नाम है अल्कली मेटल्स और हम सबसे पहले अल्कली मेटल्स पढ़ेंगे। अब अल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रॉन्शियम। फ्रॉन्शियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। पहला सवाल तैयार हो गया भाई, अल्कली मेटल के अंदर कौन सा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है? आंसर है आपका फ्रॉन्शियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर की बात करें तो 3, 11, 19, 37, 55 और 87। ठीक है, इसके बाद अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s1, सब में s1 आएगा। तो अपन डायरेक्ट अपन क्या लिख सकते हैं कि इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो ns1 होगा। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो ns1 होगा। अब आई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं तो पहला पहला बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो एटॉमिक रेडियाई की बात हो रही है। एटॉमिक रेडियाई मतलब क्या होता है? नीचे आने पर हमेशा आपको पता है शेल का नंबर बढ़ता है। शेल अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा बताओ, शेल अगर बढ़ेगा तो बोलो साइज भी बढ़ेगा। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज बिकॉज शेल इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज है बिकॉज शेल इंक्रीज होगा। दूसरा अगर हम बात करें यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो घटेगा। साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो घटेगा। दोबारा बोलो, साइज अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो घटेगा। तीसरा, क्लियर? थर्ड पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पूछेगा, वो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें अगर अपन, तो ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और ये फ्रॉन्शियम है। ठीक, तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रॉन्शियम है। इसमें अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप जो है वो क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा हमारे हिसाब से आयनाइजेशन की घटना चाहिए यानी ऑर्डर ही आना चाहिए। लेकिन जब आप सीजियम और फ्रॉन्शियम की बात करते हैं तो ऑर्डर में चेंज आता है। अब ये ऑर्डर में चेंज क्यों आया ये सवाल पूछ रहा है वो, ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि सीजियम से ज्यादा फ्रॉन्शियम की क्यों हो जाती है। तो उसका रीजन देखो, अगर आप सीजियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आपका 55 है और फ्रॉन्शियम का लिखेंगे तो 87 है। 87 में आपको जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ 4s की एंट्री हो जाएगी, 5d 6s लास्ट में इलेक्ट्रॉन 1 बचा। 4f 14 अगर आ गया तो आपको सबको पता है f में 14 इलेक्ट्रॉन बढ़े तो न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन बढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन जैसे ही बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन बढ़ते ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। अभी अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा और ये यहाँ आएगा, यहाँ जब आएगा तो ये एफ जो होगा, इस एफ की बात अगर अपन करें, एफ की बात करें तो एफ की शील्डिंग पावर क्या है? कम। अगर एफ की शील्डिंग पावर कम है तो आप सोच सकते हो क्या होगा, एफ की शील्डिंग पावर अगर कम है तो एफ रोक नहीं पा रहा उस न्यूक्लियर चार्ज को, डी पे जाएगा, डी की शील्डिंग पावर भी कम है रोक नहीं पाएगा तो सीधा कहां पहुंच जाएगा, एस पे। 6s के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, 6s के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है तो 6s के इलेक्ट्रॉन पर अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होने की वजह से ही सीजियम और फ्रॉन्शियम में फ्रॉन्शियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगा। तो जो ऑर्डर बनेगा एक्चुअली में वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फिर आएगा फ्रॉन्शियम और फिर आएगा सीजियम। तो नया सवाल बन गया, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन बोलो इन अल्कली मेटल्स क्या आएगी बताओ? सीजियम।
लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन अल्कली मेटल्स क्या आएगी? सीजियम। क्लियर? तो रीजन आपसे पूछेगा कि यार फ्रांशियम की ज्यादा क्यों है, तो आप रीजन क्या देंगे यहां पर? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल। क्या आएगा बताओ? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल। इसमें 4F सबशेल का शील्डिंग पावर कम था, इसलिए ज्यादा आया अट्रैक्शन। ठीक है, चलिए ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी की बात आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है भाई, जनरली हम फ्रांशियम को कंसिडर ही नहीं करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी में पूछेगा तो आप बता देंगे। तीसरा आएगा डेंसिटी। डेंसिटी होता है डी अपॉन एम, एम बढ़ेगा और ये वी बढ़ेगा। ठीक है, डेंसिटी की बात करें तो मास और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। अब जरा हम इनकी बात करते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ लिथियम की बात, तो ये 3 है, ये 11 है, ये आपका 19 है, ये आपका 37 है, ये आपका 55 है। क्लियर? तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, तो यहां देखो आप क्या दिख रहा है, इसके चेंज अगर आप देखोगे ध्यान से, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा 2, 8, 8, 18, 18 और 32 का डिफरेंस आएगा। नीचे आते आते देखो आप 32 का डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे आने पर शेल बढ़ रहा है, एक एक करके शेल बढ़ रहा है ना। ये आपका सेकंड शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल, तो शेल बढ़ रहा है इसलिए वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन मास में देखो इंक्रीमेंट कितना हुआ, 8 का, फिर कितने का 8 का, फिर कितने का 18, फिर कितने का 18 और फिर कितने का 32। तो यानी मास जो है वो वॉल्यूम से ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि जो मास होगा वो वॉल्यूम से ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। तो हमेशा नॉर्मली क्या बोलेंगे हम, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या बोलेंगे आप जल्दी बताओ? कि डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप विथ सम इररेगुलरिटी। एक छोटा सा इररेगुलरिटी आएगी उसमें कि लिथियम, फिर आएगा सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम। अब हम लिथियम की बात करें तो ये लिथियम की ज्यादा होगी या नहीं? गलत, ज्यादा किसकी होगी? सोडियम की। नीचे आने पर बढ़ेगी ना। अब यहां सोडियम और पोटेशियम में भी सोडियम की ज्यादा होती है, यानी कि डेंसिटी ऑफ सोडियम जो है वो ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ पोटेशियम से। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? डेंसिटी ऑफ सोडियम ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ पोटेशियम से। तो अब सवाल ये उठता है कि डेंसिटी ऑफ सोडियम ज्यादा क्यों है डेंसिटी ऑफ पोटेशियम से? क्या सवाल पूछ रहा है वो जल्दी बताओ, कि डेंसिटी ऑफ सोडियम ज्यादा क्यों है डेंसिटी ऑफ पोटेशियम से? दोबारा बोलो, क्या बोला उसने? कि डेंसिटी ऑफ सोडियम ज्यादा क्यों है डेंसिटी ऑफ पोटेशियम से, इसको समझना है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें सोडियम का, तो कॉन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, अगर मैं पोटेशियम की बात करता हूं तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d खाली पड़ा रहेगा, 4s1 में जाता है इलेक्ट्रॉन पहले, तो d में बाद में जाएगा ना, तो यहां d खाली रहेगा तो ये 3d आ गया। अब आप देखो अगर मैं इसके अंदर की बात करता हूं, प्लीज यार ये कॉन्फ़िगरेशन में एक्सप्लेन करते थे अगर याद हो तो, इलेक्ट्रॉन भरते समय पहले 4s में जाता है, 3d में नहीं जाता, और जब एटम बनता है तो 3d को हमेशा शेल वाइज लिखते हैं एटम बनने के बाद। ये थर्ड शेल है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका सेकंड शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 8। अगर आप थर्ड शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 8। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये आपका सोडियम है, ये आपका पोटेशियम है। अगर मैं सोडियम में बात कर रहा हूँ कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है? 8 की। पोटेशियम में कितने की कैपेसिटी है? 18 की। इलेक्ट्रॉन फिल कितने हैं यहाँ पर? 8। जितनी कैपेसिटी उतना ही भरा हुआ है। यहां जब आप देख रहे हो तो जितनी कैपेसिटी उतना भरा हुआ नहीं है, कितना भरा हुआ है बल्कि सिर्फ 8 भरा हुआ है। जितनी कैपेसिटी है उतना नहीं भरा हुआ बल्कि कितना भरा हुआ है? सिर्फ 8। यानी कि यहां पर अगर आप देखोगे तो पैकिंग की बात जब हो रही है तो आप ऐसे देखो यार कि एक सूटकेस है, सूटकेस में जितना भर सकते थे आप सामान उतना आपने पैक्ड करके भर दिया। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि अच्छे से पैक्ड है वो सारी चीज। और अगर हम क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बताओ?
एक सूटकेस और उसमें जितना भर सकते हैं उतना नहीं भर रहे, खाली रखा हुआ उसको, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना एक तरह से, खाली है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो डेंसिटी क्या हो गई कम। तो यहाँ डिफरेंस आता है कि यहाँ डी नहीं आ रहा होता है लेकिन यहाँ डी आ रहा होता है, यहाँ डी नहीं आ रहा, यहाँ डी आ रहा है, तो गैप यहाँ बढ़ गया, मतलब यहाँ जगह बढ़ गई है, जगह बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन कम है, तो वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाता है, और वॉल्यूम अचानक से बढ़ते ही डेंसिटी घट जाती है। इसलिए जब ऑर्डर आएगा तो लिथियम, फिर क्या आएगा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम आएगा। ठीक है, फ्रांसियम मैंने कहा ना लिखते नहीं है, आएगा तो फ्रांसियम भी उधर ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह का ऑर्डर आएगा कि डेंसिटी ज्यादा हो रही है। तो रीजन आपको सिंपल सा है कि यहाँ डी आ गया, डी आने से वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ता है क्योंकि पैकिंग उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी। अब देखो अगला जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, देखो अगर मैं बात करूं इसमें तो नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है, फर्स्ट है एल्कली मेटल की बात हो रही है, डाउन द ग्रुप हम बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। डाउन द ग्रुप आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, अगर आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है तो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी बढ़ रही है, अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो उस पर प्लस आने की टेंडेंसी बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद प्लस आता है, तो इसका मतलब ये होता है प्लस अगर आ रहा है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, प्लस अगर आ रहा है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, तो आयनाइज एनर्जी घटेगी डाउन द ग्रुप। सो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनाइज एनर्जी घटेगी, सो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ गया, इसका मतलब सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो गया। सीजियम क्या हो गया, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। सीजियम क्या हो गया, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक, आगे की बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, होता क्या पहले ये समझो कि जब किसी मेटल की सरफेस पर लाइट गिराते हैं तो लाइट गिराने पर वहां से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। दोबारा से बोलना, जब किसी मेटल की सरफेस है और उस मेटल की सरफेस पर हम लाइट गिराते हैं तो लाइट गिराने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन बाहर कौन निकालेगा, सोचो जिसका आयनाइज एनर्जी कम होगा, आयनाइज एनर्जी अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, इसका मतलब क्या निकलता है कि डाउन द ग्रुप आयनाइज एनर्जी डिक्रीज, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीज। डाउन द ग्रुप आयनाइज एनर्जी डिक्रीज, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीज, आया ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीज। यानी कि आप देखो सीजियम जो होगा सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, इसी वजह से रुबिडियम सीजियम और पोटेशियम इनको फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किसमें लिया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इनका यूज किया जाता है। तो आपसे पूछेगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल में जो यूज करने वाले एलिमेंट है एस ब्लॉक के, बताओ कौन से हैं, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, बिकॉज इनका आयनाइज एनर्जी कम होगा, जब आप मेटल की सरफेस पर लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा शो कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक होता है मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो होता है 1/साइज। क्या होता है 1/साइज। अब आप इन दोनों को देखो, आप कि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इनकी बात करता हूं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, तो आप देखो सबका कॉन्फिगरेशन आएगा NS1,
यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन जो आएंगे अनपढ़ वो कितने आएंगे, एक। अगर सभी अनपेड इलेक्ट्रॉन एक आएंगे तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, सेम। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर सेम आ रहे हैं, सेम, तो बात किससे डिसाइड होगी, साइज। नीचे आने पर क्या होगा, साइज बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है। देखो साइज बढ़ रहा है तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रही है, और अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रही है इसका मतलब ये वीक बॉन्ड बना रहे हैं आपस में, वीक बॉन्ड बना रहे हैं मतलब समझे आप, इनके अंदर अट्रैक्शन बहुत वीक रहेगा। पहले मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब समझना आराम से, वापस मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी मेटल के बीच में आपस में बॉन्ड की स्ट्रेंथ। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर कैसे डिपेंड करा, एक अनपेड होंगे तो आराम से एक बॉन्ड बनाएंगे, ये देखो, दो अनपेड होंगे तो दो बॉन्ड बनाएंगे, तीन अनपेड होंगे तीन बॉन्ड बनाएंगे, चार अनपेड होंगे तो चार बॉन्ड बनाएंगे, पांच हुए तो पांच, तो बॉन्ड बनाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अब आपको बताया कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है तो जो बॉन्ड बनेगा वो साइज पर डिपेंड करता है, हमेशा हमने पढ़ा है कि साइज अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो घटेगी, जल्दी बोलो, साइज अगर बढ़ेगा तो जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, घटेगी, साइज अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटेगी, साइज अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, तो सबसे वीक यही होगा, और फ्रांशियम अगर लेंगे तो वो और सबसे वीक होगा, तो फ्रांशियम सबसे वीक मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ रखता है, इसीलिए फ्रांशियम लिक्विड होता है। 27 डिग्री के आसपास, 27 से 28 के आसपास ये लिक्विड रहता है, रूम टेम्परेचर पे नहीं है ये। फ्रांशियम लिक्विड हो जाता है, इतना कम मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया इसका कि ये लिक्विड हो जाता है, ठीक है। अब जब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है ना उसी चीज पर डिपेंड करते हैं कौन, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो वही वाली बात है, बाप से पूछेगा ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो भाई नीचे आने पर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। नीचे आने पर क्या होगा जल्दी बताओ, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी घट रहा है, क्लियर। ठीक, तो नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी घट रहा है। अगला है सॉफ्टनेस। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे तो भाई इनमें एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि एल्कलाइन अर्थ मेटल पर जाओगे तो जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल पर जाओगे तो वहां दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे जब एक्साइट कर सकते हैं, तो जैसे बेरिलियम का 2s2 है, एक्साइट करोगे 2p में तो एक अनपेड और एक अनपेड, दो अनपेड बचे। बोरोन में जाओगे तो फिर एक्साइट करने पर तीन अनपेड आ जाएंगे, कार्बन में चार आ जाएंगे, तो इस तरह से जब इधर से इधर जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बाकियों में तो थोड़े ज्यादा ही आ रहे हैं, यानी कि सबसे कम अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें दिखाई देंगे, सिर्फ अल्कली मेटल्स में, यानी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम किसमें दिखाई देगी, अल्कली मेटल्स में, इसलिए अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि सोडियम को तो आप जब काटते हैं तो बटर की तरह कटता है, बटर, ठीक है, जैसे बटर में नाइफ डाल दो वैसे ही सोडियम कट जाता है, ठीक है। तो अल्कली मेटल में अगर हम देखेंगे तो नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रही है मेटेलिक, तो लिथियम सबसे हार्ड होगा। तो फॉर अल्कली मेटल में अगर पूछे सबसे हार्ड एलिमेंट कौन सा है तो आप क्या बोलोगे, लिथियम, और लिथियम दूसरे एलिमेंट से हार्डर होगा एल्कली मेटल्स में, ये इसका एनालोमस बिहेवियर है, यानी डिफरेंट बिहेवियर है अपने ग्रुप के साथ में, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे नोट करके, दीज मेटल्स आर सॉफ्ट, इजीली कट बाय नाइफ, क्लियर। एक और खास बात, इनमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो ऑसिलेट करता रहता है अपने ही अंदर, ऑसिलेट करता रहता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है और ये चमकदार होती है। चमकदार का मतलब समझता है, क्या समझता है कि मेटेलिक लस्टर रखते हैं, दीज मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दीज मेटल्स हैव, बोलो, मेटेलिक लस्टर ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ, बोलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑसिलेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। तो सॉफ्ट भी होती हैं और ऑसिलेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए मेटेलिक लस्टर भी रखती है ये, क्लियर। लिथियम क्या होता है, हार्डर, और ये कौन सा बिहेवियर है उसका, एनालमस बिहेवियर होगा, डिफरेंट बिहेवियर होगा बाकी ग्रुप के साथ में, ठीक। अगला देखो,
इसके बाद आता है इनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है इनकी बीसीसी हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर, सोचो कितना होता था, सोचो बीसीसी। अच्छा अगर आपको बीसीसी अभी नहीं बताई गई है तो आप जब बताई जाएगी तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 8। अब आप यहां पर कुछ इश्यूज आ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है जब भी कोई कैटायन या कोई भी आयन जितने दूसरे आयन से घिरा हुआ है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। जैसे मान लो ये एक्स है, ये 4y से घिरा हुआ है, तो इस एक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अगर ये 6 से घिरा होता तो 6 होता, 8 से घिरा होता तो 8 होता, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इनका, 8। यानी कि जब आप NaCl की बात करते हैं तो आप NaCl को कैसे बनाते हैं, Na++Cl-, तो ये Na++Cl- नहीं होता, सॉरी ये आयनिक कंपाउंड हो गया, मतलब एक Na 8 Na से घिरा होगा। ये अगले साल आप अच्छे से पढ़ लेंगे जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो अभी आपको सिर्फ इसको ध्यान में ही रखना पड़ेगा कि बीसीसी स्ट्रक्चर होती है, बीसीसी का नाम क्या होता है वो भी आगे पता चलेगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होती है वो भी पता चलेगा। ये अभी के लिए ध्यान रख सकते हैं अपन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगला देखो, रिड्यूसिंग पावर, अगर हम रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, फिर सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम और फिर सोडियम। ये आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये रीजन मैंने बताया था आपको 11th में, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो लिथियम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। अगला देखो, अभी क्यों होता है एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं और वो एक्सप्लेन देखो अब कैसे करना है, देखना जरा, ठीक है, ध्यान दो इधर। आपको याद है बोर्न एवर साइकिल होता है, इस तरह से मेटल, फिर आपका ये मेटल प्लस बनेगा, प्लस, क्लियर, ये आपका Ms+, लेकिन ये प्लस क्या होता है एक्वस में, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसको हम बोलते थे डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन। फिर इसके बाद हम इसको सब्लिमेशन एनर्जी देते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी के बाद यहाँ पर आपका क्या आता है, ये मेटल गैस, और फिर उसके बाद हम क्या देते हैं, इसको गैस बन गया, गैस के बाद इसे देते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी, तो क्या बनता है, ये मेटल कैटायन, और ये मेटल कैटायन जो है वो एक्वस बनेगा, तो जो एनर्जी निकलती है वो हाइड्रेशन एनर्जी होती है। तो अपन हीट ऑफ फॉर्मेशन का बॉर्न एवर साइकिल बनाते थे, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी माइनस ये, दोबारा से सुन लो, जब किसी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं उस कंडीशन में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं हम हीट ऑफ सब्लिमेशन। जब इस गैस को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कैटायन में, तो उस समय जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। और जब इस एक्वस कैटायन को, सॉरी, इस गैशियस कैटायन को एक्वस कैटायन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब जो गैशियस कैटायन को एक्वस कैटायन में कन्वर्ट करते हैं जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि डेल्टा जी एक फॉर्मूला होता है माइनस ई डेल एच, डेल्टा जी बराबर होता है, क्या बताया था बताओ मैंने, डेल्टा एच माइनस टी डेल एच। इसमें एक चीज बताई थी कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो रही है, रिएक्शन आगे जा रही है। अब ये देखो आप, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा था वो क्या होता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। अब जिसके केस में रिएक्शन सबसे आगे जाएगी वही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब जब हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है, हमने पढ़ा था पीरियोडिक के अंदर, याद करो, जब इसका साइज वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा साइज होने की वजह से वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट बहुत ज्यादा करेगा, और वाटर को अट्रैक्ट अपनी ओर ज्यादा करेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा आएगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी यानी नेगेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी जो इन दोनों के सम से नेगेटिव हो जाएगी।
नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, ये डेल्टा एच नेगेटिव होगी, डेल्टा एच नेगेटिव होगी तो डेल्टा जी भी नेगेटिव होगी, डेल्टा जी नेगेटिव होगी तो इधर रिएक्शन ज्यादा भागेगी, अगर रिएक्शन इधर ज्यादा आगे भाग रही है तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि रिएक्शन ज्यादा आगे भाग रही है, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ये उधर से उधर जा रहा है, इसका मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, लिथियम। क्यों हुआ, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। क्यों हुआ, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। क्यों हुआ जल्दी बताओ, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक, इसको नोट करो, जल्दी लिखो फटाफट, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, किसकी बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट में जो अल्कली मेटल्स की बात अगर हम करें तो जब हम इन्हें एयर में रखते हैं, यानी कि अगर खुला छोड़ दें तो ये क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, तो एयर में इन्हें खुला नहीं छोड़ सकते, इसलिए इन्हें हम केरोसिन में कैप्ट करके रखते हैं, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैप्ट करके रखा जाता है। इन्हें किस में रखा जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैप्ट करके रखा जाता है। यानी कि सवाल आपसे पूछेगा कि व्हेन एक्सपोज, जब एयर में एक्सपोज करते हैं इन्हें तो क्या होता है, तो आप बोलेंगे दे रेडिली रिएक्ट, ठीक है, और रिएक्ट कर करके इनकी जो मेटेलिक सर्फेस होती है बिकम टर्निश, खराब हो जाती है वो, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स, ठीक है, और ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट बनने की वजह से इनकी जो है वो मेटेलिक सरफेस टर्निश हो जाएगी, क्लियर, इसलिए इन्हें कैप्ट करके रखा जाता है किसके अंदर, केरोसिन के अंदर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। जैसे आपने पढ़ा होगा सोडियम को केरोसिन में रखते हैं, लेकिन लिथियम ऐसा होता है जिसे हम केरोसिन में कैप्ट करके नहीं रखते, क्योंकि जब लिथियम को आप इसमें केरोसिन में कैप्ट करके रखेंगे तो लिथियम क्या होता है, हल्का होता है, तो वो फ्लोटिंग करता हुआ ऊपर आ जाएगा। अगर ये ऊपर आ गया फ्लोटिंग करता हुआ तो ये आसानी से रिएक्ट कर जाएगा ऐसे, अगर ये फ्लोटिंग करता हुआ ऊपर आ गया तो ये आसानी से एयर से रिएक्ट कर जाएगा, ये लिथियम है फ्लोटिंग करता हुआ ऊपर आ गया, तो इसलिए लिथियम को हम पैराफीन पेपर्स में कैप्ट करके रखते हैं, पैराफीन पेपर्स होते हैं लेस रिएक्टिव पेपर्स। जैसे आपने ऑर्गेनिक में अगर पढ़ा होगा कि एल्केन्स आर पैराफीन्स, तो एल्केन्स आर पैराफीन्स, तो इसका मतलब एल्केन बोल रहा हूँ, एल्केन ध्यान से सुनना, हाँ C2H6 लेस रिएक्टिव होती है, तो पैराफीन पेपर्स उन्हीं के बने होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एस ब्लॉक एलिमेंट हमेशा आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड, लेकिन लिथियम को छोड़ के, क्योंकि लिथियम में अगर आप LiX लेते हैं और X बराबर लेते हैं ClBrI, तो ये LiX जो होगा वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होगा X, ठीक है, X बराबर क्या होगा ClBrI, और ये होगा प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। लिथियम में LiF जो होगा वो आपका प्रीडोमिनेंटली क्या होगा, आयनिक, प्रीडोमिनेंटली क्या होगा, आयनिक, क्या होगा, प्रीडोमिनेंटली आयनिक, क्लियर। तो यहां पर आपका X बराबर ClBrI अगर लेते हैं तो प्रीडोमिनेंटली क्या होता है, कोवेलेंट, ठीक, और LiF प्रीडोमिनेंटली क्या होगा, आयनिक, फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये अपन ने पहले पढ़ा था फैजांस रूल में, फैजांस रूल के अंदर बताया था मैंने, याद करो, ठीक है, इसके साथ और भी बताए थे ऐसे कैसी, तो अभी सिर्फ LI वाले लिखे हैं मैंने, ठीक। तो पहली बात हमें क्या समझ में आई, केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बात करें तो ये कंपाउंड जो ये लिथियम या सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल बोल रहा हूँ, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स पढ़ रहे हम, तो अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो एक्सपोज करते हैं अगर एयर में तो रिएक्ट कर जाते हैं, उनकी मेटेलिक सरफेस टर्निश हो जाती है, जिसलिए इन्हें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी केरोसिन में कैप्ट करके रखते हैं, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम को हम किस में रखते हैं, लिथियम को किस में रखते हैं, पैराफीन पेपर्स में, क्यों, क्योंकि लिथियम लाइटर होता है, वो फ्लोटिंग करता हुआ ऊपर आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात,
ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं सभी एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम के केस में क्या होता है कि अगर LiCl, LiBr, LiI आ गया तो वो प्रीडोमिनेंटली क्या होगा, कोवेलेंट। क्लियर। अब दूसरी बात रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद O2, भाई इसमें से बहुत सवाल आते हैं। रिएक्शन विद O2 जो है वो इसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सवाल रिएक्शन विद O2। जैसे अगर मैं लिथियम की बात करूँ, O2 से रिएक्ट करेगा लिथियम तो बनेगा लिथियम ऑक्साइड। अगर उसके बाद में अगर एक्सिस ऑफ O2 ले लूँ तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होती है। दोबारा बोले, क्या बोला मैंने, Li plus O2 की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, Li2O, और एक्सिस ऑफ O2 की रिएक्शन कराएंगे तो आगे रिएक्ट नहीं होगा, यानी कि ऑक्साइड में ही स्टेबल हो गया। फिर आता है आपका सोडियम। सोडियम की अगर O2 से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा यहाँ पर आपका Na2O। एक्सिस में अगर आप एयर लेंगे एक्सिस ऑफ O2 तो Na2O2 बनेगा, और अगर और एक्सिस में लेंगे आप तो ये आगे रिएक्ट नहीं करता, यानी कि ये क्या बना रहा है, ऑक्साइड। ये क्या बना रहा है, परऑक्साइड, और यहाँ आगे रिएक्शन नहीं हो रही। लेकिन अगर M प्लस O2 लें और एक्सिस ऑफ एयर लें तो N2O2, और एक्सिस में लेंगे अगर तो ये आएगा MO2, ये कहलाता है ऑक्साइड, ये कहलाता है आपका परऑक्साइड, और ये कहलाता है आपका सुपर ऑक्साइड। अब देखो खास बात, ये आपका M बराबर होगा पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। क्या होगा जल्दी बताओ, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक, एक खास बात, लिथियम जब O2 से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनेगा, इसमें लिटिल अमाउंट में परऑक्साइड भी बनेगा। यहाँ इसी तरह से ऑक्साइड बना, और जब परऑक्साइड की बात आएगी तो एक्सिस में O2 से जब रिएक्शन कराएंगे तो परऑक्साइड, और आगे रिएक्ट करेंगे तो कुछ नहीं बन रहा, लेकिन थोड़ा सा लिटिल अमाउंट में यहाँ सुपर ऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि लिटिल अमाउंट में बनता है जिसे हम एक्सक्लूड करते, काउंट नहीं करेंगे। लिटिल अमाउंट में बनता है, काउंट नहीं करेंगे। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सोडियम O2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, ऑक्साइड, लेकिन अगर एक्सिस ऑफ O2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, ऑक्साइड एंड परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड आंसर टिक नहीं करना। यहां पर भी ऑक्साइड ही बनेगा, यहां पर परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड टिक नहीं करना, नहीं बनेगा। फील आई जो बोला मैंने, मल्टीपल सवाल आ गया तब भी नहीं टिक करना है, मतलब आपको मना करना है कि ये एक्सिस ऑफ एयर से सोडियम सिर्फ ऑक्साइड और परऑक्साइड बनाता है, ये एक्सिस ऑफ O2 ले लो तब भी सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, ये एक्सिस ऑफ एयर लेंगे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तो ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि वेरिएशन क्यों आ रहा है, तो उस वेरिएशन को समझना है। डाउट तो यही है ना कि भाई ये अलग अलग क्यों बिहेवियर शो कर रहे हैं, भाई एक ऑक्साइड भरा है, एक परऑक्साइड बना रहा है, एक सुपर ऑक्साइड भी बना रहा है, ऐसा क्यों? तो देखो, अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, ऑक्साइड। ठीक है, और अगर हम इस ऑक्साइड के बाद हम बात करते हैं माइनस टू, ये आप इसको जब O2 देंगे ये हो जाएगा आपका परऑक्साइड, और जब इसको हाफ O2 और देंगे तो ये बन जाएगा O2 माइनस सुपर ऑक्साइड। अब हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, उस आयनिक बॉन्ड में सबसे पहली बात क्या पढ़ी थी कि जो आयनिक बॉन्ड है उस आयनिक बॉन्ड में सबसे पहली बात ये थी कि पोलराइजिंग पावर लिथियम की सबसे ज्यादा थी, यानी लिथियम जो है नेगेटिव चार्ज को बहुत होल्ड कर सकता है अपने पास। तो जब लिथियम को भेजा तो उसने ऑक्साइड में माइनस टू जो चार्ज है उस पूरे माइनस टू को होल्ड कर लिया अपने पास, पूरा होल्ड कर लिया, तो इसलिए आगे रिएक्शन होने की जरूरत ही नहीं थी, एयर भेजने से आगे कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। जैसे सोडियम पर आए, पोलराइजिंग पावर अगर कम हो गई है तो अब वो होल्ड नहीं कर पाएगा, पोलराइजिंग पावर कम है तो नेगेटिव इतना होल्ड नहीं कर पा रहा, इसलिए हमने जब एक्सिस ऑफ एयर दी तो उसने रिएक्ट करके अपने नेगेटिव चार्ज को कम किया। यहाँ पहले एक ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन माइनस टू है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस वन है, और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन बोलो हाफ है, पर ऑक्सीजन हाफ है, आया ना। तो अब देखो, सोडियम की पोलराइजिंग पावर कम थी इसलिए जब ऑक्सीजन दी तो उसने आपका माइनस टू यानी कि पर ऑक्सीजन माइनस वन को होल्ड कर लिया, इसलिए वो वहां रुक गया।
अब पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का तो पोलराइजिंग पावर और कम है भाई, तो इनका पोलराइजिंग पावर और कम है, तो वो बेचारे माइनस वन को भी नहीं रोक पाए पर ऑक्सीजन एटम, इसलिए जब ऑक्सीजन दी तो उन्होंने अपना नेगेटिव चार्ज और घटा लिया, और घटा के किस में पहुंचे वो माइनस में, यानी कि पर ऑक्सीजन एटम माइनस हाफ में, तो इतने से वो होल्ड कर पा रहे थे, इसलिए एक्सिस ऑफ एयर देने पर आप रिएक्शन में कहां जा रहे थे, सुपर ऑक्साइड तक, कौन, पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, कौन जा रहा था, पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक तो ये हुआ, दूसरा एक एक्सप्लेनेशन और होता है जो हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तब बताएंगे, लिख यहां पर लेते हैं। सॉलिड स्टेट क्या बोलता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड तब बनता है जब कंपेरेबल साइज ऑफ कैटायन एनायन हो, कोई भी आयनिक कंपाउंड अच्छे से कब बनता है जब कंपेरेबल साइज ऑफ कैटायन एनायन हो, तो यहां पर एक एक्सप्लेनेशन और है कि भाई लिथियम ऑक्साइड में जा रहा है, ये परऑक्साइड में जा रहा है, वो सुपर ऑक्साइड में जा रहा है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दीज मेटल कैटायन स्टेबलाइज विद देयर कंपेरेबल साइज ऑफ एनायन, क्या, दीज मेटल कैटायन स्टेबलाइज कंपेरेबल साइज ऑफ, बोलो, एनायन, इसलिए वो अपने अपने अलग अलग आयन में जाके स्टेबलाइज हो गए, ठीक है। अगला है रिएक्शन विद नाइट्रोजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो, अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन कराए तो अल्कली मेटल्स में सिर्फ लिथियम ही रिएक्ट करता है नाइट्रोजन से, और लिथियम नाइट्राइड बनाता है, बाकी कोई रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। मैं जनरली इसको ऐसे लिखता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, वरना क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं हमेशा ऐसे लिखता हूं। फिर इसका जो हाइड्रोलिसिस करा दें, तो हाइड्रोलिसिस कराने पर आपको पता ही क्या होगा, ये लिथियम है, ये एन है, तो यहाँ ओ एच आएगा, यहाँ एच आएगा, तो हाइड्रोलिसिस पर आपका एल आई ओ एच और अमोनिया निकलेगा। और अगर इसको हाई टेम्परेचर दे दें तो हाई टेम्परेचर पे टूट जाएगा और वापस लिथियम प्लस नाइट्रोजन बन जाएगा, ठीक है। लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, लेकिन लिथियम नाइट्राइड का जब हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो हाइड्रोलिसिस करवाने पर आपका क्या बनता है, एल आई ओ एच प्लस अमोनिया, और ये आपका एल आई ओ एच, ये लिथियम नाइट्राइड जब हाई टेम्परेचर देते हैं तो टूट जाता है, किसमें, लिथियम प्लस नाइट्रोजन में, बाकी जो है वो अल्कली मेटल्स रिएक्ट नहीं करते नाइट्रोजन से, कोई कंपाउंड नहीं बनेगा यहाँ पे, बाकी रिएक्ट नहीं करते। फिर सवाल आ गया, क्यों नहीं करते, उसका रीजन है, नाइट्रोजन यहाँ पर देखो माइनस थ्री चार्ज रखता है, इस नाइट्रोजन पर कितना चार्ज है, माइनस थ्री, माइनस थ्री चार्ज होगा तो इसका मतलब होगा बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की जो पावर है वो सिर्फ लिथियम है, क्योंकि लिथियम के पास पोलराइजिंग पावर हाई होती है, इसलिए वो इसको होल्ड कर लेता है, ये होल्ड नहीं कर पाते इसलिए रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, जब हम मेटल के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इस मेटल की जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल हाइड्राइड बनते हैं, और ये मेटल हाइड्राइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहला पॉइंट, आयनिक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले, ठीक है। दूसरा पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, मतलब इनका जो हीटिंग करेंगे तो ये जल्दी टूट जाएंगे, क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पर साइज बढ़ रहा होगा तो ये टूट जाएंगे, ठीक है, ठीक। अगला बात कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट, कि ये आयनिक होंगे सारे के सारे, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होंगे, और जो लिथियम हाइड्राइड होता है इसका यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम हाइड्राइड का यूज कहां करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर मेट्रोलॉजिकल बैलून्स, ये मेट्रोलॉजिकल बैलून्स होते हैं वेदर को नापने वाले,
आपको नहीं पता हो तो गूगल पे डाल के देखना, मेट्रोलॉजिकल बैलून्स आ जाएंगे, ये आपने 9th में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। मेट्रोलॉजिकल बैलून्स होते हैं वेदर नापने वाले, तो उसमें गैस जो भरी जाती है वो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन जो गैस है उसका सोर्स कौन है, LIH। दूसरा इसका यूज किया जाता है मिलिट्री पर्पज में, मिलिट्री पर्पज में जो हाइड्रोजन यूज होती है उसमें यूज किया जाता, यूज होती है हाइड्रोजन, वो कहाँ से ली जाती है, LIH से। अब ये मत पूछना मिलिट्री पर्पज में कहाँ यूज होती है, क्योंकि मिलिट्री वाले नहीं बताएंगे, सीक्रेट थोड़ी बताएंगे, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करो, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात अगर अपन करें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करो तो देखो, अगर हम बात करते हैं यहां पर लिथियम सबसे ज्यादा छोटा साइज है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा, तो लैटिस एनर्जी हायर होगी सबसे, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो ऑर्डर यही आएगा, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। तो आप ऑर्डर में ये क्यों आया, ऐसा रीजन आपको इसका देंगे, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। क्यों आया यहाँ पे, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। दोबारा से देखो भाई, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी मतलब लिथियम इससे ज्यादा रिएक्ट करेगा, एलिमेंट की रिएक्टिविटी को भी हम बोल सकते हैं, वो तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी थी, अब बोल रहा है रिएक्टिविटी ऑर्डर, देखो मतलब कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्ट करेगा, इसका मतलब समझना, अगर लिथियम है वो इससे रिएक्ट कर रहा है और ये कंपाउंड बन रहा है, और ये कंपाउंड अगर बहुत हाई है स्टेबल, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन ज्यादा आगे भागेगी। जब भी कभी रिएक्शन, अगर प्रोडक्ट स्टेबल होता है रिएक्शन में तो रिएक्शन आगे भागती है, जब भी कभी, जल्दी बोलो, ये प्रोडक्ट स्टेबल होता है तो रिएक्शन आगे भागती है, दोबारा बोलो, जब भी कभी ये ज्यादा स्टेबल होता है तो रिएक्शन आगे भागती है, और अगर रिएक्शन आगे भागती है तो इसका मतलब रिएक्टिव ज्यादा हो गई है। तो अभी बताया था मैंने LIH ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, तो इसका मतलब लिथियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी ना, इसलिए लिथियम ऑर्डर में पहले आया है, ठीक है। तो ये हाइड्राइड हो गया, रिएक्शन विद हेलोजन्स। अब एल्कली मेटल से तो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके ये भी क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड ये है, लेकिन सारे आयनिक होंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया था LIX, जहां X बराबर Cl है, Br है और I है, ये क्या होगा, प्री डोमिनेंटली आयनिक, क्या होगा LIX, इसमें X अगर Cl Br I आया तो प्री डोमिनेंटली क्या होगा, कोवेलेंट, ठीक है। और LIF जो है वो मैंने बताया था प्री डोमिनेंटली क्या होगा, आयनिक, क्लियर, बहुत आसान है यार, ऐसे कंफ्यूज मत हो, सारा का सारा आयनिक बॉन्ड से ही निकल कर आ रहा है, देखो आप ध्यान से, सब कुछ आयनिक बॉन्ड से निकल कर आ रहा है, ये एस ब्लॉक एक्चुअली में आयनिक बॉन्ड पर ही डिपेंड कर रहा है, आप देखो सारी चीजें आयनिक बॉन्ड पर ही है, बस छोटी छोटी चीजें जो है काम की वो बता रहा हूं बस, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे मेटल है, प्लस ये है, प्लस एक्स टू है, प्लस एम एक्स है, तो यहां पर ये LIX है प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, और ये X बराबर आएगा Cl Br I, LIF क्या होता है प्रीडोमिनेंटली आयनिक, ये फैजान रूल से आया था, ठीक। तो अब यहां पर आपसे पूछेगा इस कि ये कैसे हैलाइड्स होते हैं, तो पता लगे जनरली आयनिक होते हैं, फिर से वही बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछेगा वो, तो रिएक्टिविटी जैसे पहला पूछा फॉर F2, रिएक्टिविटी पूछ रहा है फॉर F2, F2 के लिए रिएक्टिविटी बताओ, तो F2 के लिए रिएक्टिविटी आएगी ये, क्यों आएगी, उसका रीजन है लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, रीजन छोटा साइज था, साइज छोटा होगा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट स्टेबल ज्यादा होगा, ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो रिएक्शन आगे भागेगी, आगे भागेगी तो ऑर्डर में ये पहले आएगा। लेकिन अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं आप किसके लिए, Cl2 Br2 और I2,
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर Cl2, Br2 और I2। तो आप देखो ये साइज बड़ा हो गया इनका, इनका साइज क्या है, बड़ा साइज है। अगर इनका साइज बड़ा है तो इसका मतलब क्या निकला, इनका साइज बड़ा है अगर तो क्या होगा, इनका साइज बड़ा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी चेंज हो जाएगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, क्या आ गया जल्दी बताओ, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, क्लियर, ये ऑर्डर आएगा। अब एल्कली मेटल के जो हैलाइड्स हैं वो सब सोल्यूबल होते हैं पानी में, हमने आयनिक कंपाउंड में पढ़ा था फजांस रूल में, एल्कली मेटल्स के सारे इस पानी में सोल्यूबल होंगे, सारे एल्कली मेटल पानी में सोल्यूबल है, एक को छोड़ के LiF, ये आपका इनसोल्यूबल होता है और लेस सोल्यूबल, ये इनसोल्यूबल होगा और लेस सोल्यूबल होगा। अब आपसे पूछेगा कि क्यों, तो आपको पता है ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। LiF छोटा साइज है, F का भी छोटा साइज है, तो दोनों का साइज अगर छोटा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, और हमने पढ़ा था कि अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है तो पानी में कम सोल्यूबल होता है। तो आपको एक स्टेटमेंट पूछता है ट्रू और फॉल्स, और उसमें लिखता है कि सारे एल्कली मेटल हैलाइड पानी में सोल्यूबल है, तो आप बोलोगे यस, और फिर बोलेगा LiF इनसोल्यूबल है, हाँ, फिर बोलेगा रीजन क्या है, तो आप बोलोगे हाई लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है तो पानी में सोल्यूबल नहीं हो सकते। अच्छा एक खास बात, जो हैलाइड्स है उनमें अगर लिथियम का हैलाइड हुआ तो लिथियम का जो हैलाइड है वो बहुत ज्यादा वाटर को अपनी ओर खींचता है, अगर पानी को अपनी ओर खींचेगा तो, इसलिए लिथियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली हाइड्रेटेड होते हैं, क्या बोले जल्दी बताओ, लिथियम के जो सॉल्ट्स हैं वो जनरली हाइड्रेटेड होते हैं। तो नोट करके हम क्या लिखेंगे कि जनरली लिथियम सॉल्ट्स आर हाइड्रेटेड ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ मेटल कैटायन, ये पानी को खींच लिया इसने, हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया। तो लिथियम के जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो सारे के सारे हाइड्रेटेड होंगे ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर। अब यहाँ एक सवाल पूछता है आपसे, और वो पूछता है कि गन पाउडर का फॉर्मूला क्या है, तो गन पाउडर का फॉर्मूला होता है सल्फर चारकोल प्लस नाइट्रेट्स। अब यहाँ एक सवाल बहुत अच्छा बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रेट विल यूज इन गन पाउडर। अब आपको सोचना है, पहला ऑप्शन दिया उसने LiNO3, दूसरा ऑप्शन दिया उसने NaNO3, तीसरा ऑप्शन दिया उसने KNO3, और चौथा ऑप्शन दिया उसने ऑल। सोच के देखो फटाफट, चलो ट्राई करो फटाफट, कौन सा नाइट्रेट आप लोगे, नाइट्रेट में भी कौन सा नाइट्रेट आप यूज करोगे वो आपको बताना है। आंसर आएगा KNO3। अब सवाल ये आएगा KNO3 क्यों आया, उसका रीजन गन पाउडर है, गन पाउडर मतलब बारूद, जो बारूद होता है वो एक्सप्लोसिव होता है, अगर उस बारूद में पानी डाल दो तो वो एक्सप्लोसिव नहीं होगा। अब जो नाइट्रेट्स होते हैं ना वो एक्सप्लोसिव होते हैं, नाइट्रेट्स आर एक्सप्लोसिव, क्या बोला जल्दी बताओ, नाइट्रेट्स आर एक्सप्लोसिव, नाइट्रेट्स आर एक्सप्लोसिव, तो ये नाइट्रेट एक्सप्लोसिव होंगे। लेकिन अगर लिथियम नाइट्रेट ले लिया तो अभी बताया था लिथियम नाइट्रेट तो पोलराइजिंग पावर रखेगा तो वो हाइड्रेटेड हो जाएंगे उसके सॉल्ट, तो ये अगर नाइट्रेट ले लिया तो ये तो पानी वाला नाइट्रेट होगा, तो अंदर पानी चला जाएगा, पानी चला जाएगा तो गन पाउडर ही खराब हो गया, पता लगा दुश्मन को गोली मारनी थी बारूद ही जो गीला हो गया, कहां से गोली पड़ेगी। लिथियम के अंदर अगर बहुत ज्यादा है तो थोड़ी बहुत तो सोडियम तक पहुंचेगी, तो सोडियम के पास भी थोड़ी सी पोलराइजिंग पावर आने से हो सकता है वो हाइड्रेटेड हो जाए अगर मॉइस्चर ज्यादा हुआ तो यहाँ भी रिस्क होता है, इसलिए KNO3 ही यूज किया जाता है बेस्ट। क्लियर, तो ऑप्शन अपने आप ही टिक कर देंगे आराम से, ठीक है, तो KNO3 नाइट्रेट यूज किया जाएगा हम गन पाउडर में। रिएक्शन विद अमोनिया गैस, अगर मैं मेटल लेता हूं और अमोनिया गैस लेता हूं तो रिएक्शन हो गया, और रिएक्शन होकर के अमोनिया गैस से ये बनेगा आपका NH2।
ये आपका कहलाता है एमाइड। और अगर इस एमाइड का मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं, तो ये आपका हाइड्रोलिसिस करने पर अमोनिया गैस बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं लिथियम लेता हूं, यहां पर M बराबर होगा सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, और अमोनिया गैस से रिएक्शन कराता हूं, तो ये बनता है आपका ईमाइड। और इस ईमाइड का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराऊं, तो हाइड्रोलिसिस कराने पर ही बन जाएगा आपका LiOH प्लस NH3। क्या आएगा? LiOH प्लस NH3। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सब ले रहे हो तब तो आपका एमाइड बन रहा है, और सवाल ये उठता है कि जब ये ले रहे हो तो ईमाइड बन रहा है, तो देखो क्यों हो रहा है ऐसा। ईमाइड पर होता है माइनस टू, एमाइड पर होता है माइनस वन। तो दिमाग की बत्ती जलाओ, क्या यहां पर आपका हो रहा है क्या एमाइड? ये ईमाइड उसका रीजन है, लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो लिथियम तो क्या कर रहा है उसको अट्रैक्ट कर सकता है, लिथियम तो अट्रैक्ट कर सकता है, पोलराइज कर सकता है, माइनस टू है तो उसको होल्ड कर लेगा अपने पास, होल्ड करेगा नहीं करेगा, इसलिए वो ईमाइड बना रहा है, और ये सब पोलराइजिंग पावर कम रखते हैं इसलिए एमाइड बना रहा है। ठीक है, अब जो रिएक्शन आ रही है भाई, पूरा एस ब्लॉक एक तरफ और ये अकेली रिएक्शन एक तरफ, समझ गए बात को? मतलब यही सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर साल इसी रिएक्शन में से सवाल आते हैं। तीन रिएक्शनें होती हैं, एक O2 की, एक वाटर की और एक लिक्विड अमोनिया की। ठीक है, पहले मैं वाटर की पढ़ा देता हूँ, अब फिर लिक्विड अमोनिया की पढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि आखिरी में लिक्विड अमोनिया की पढ़ेंगे लास्ट रिएक्शन। रिएक्शन विद वाटर, अगर हम इन मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा सोचते हैं जरा। देखो, ली के काका ने मांगी अलमारी, याद है, ली के काका ने मांगी अलमारी, ये हम आगे पढ़ेंगे, छोड़ो भी। एस ब्लॉक एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, हाँ या ना, तो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो इसको रिड्यूस कर देंगे, ये इसको रिड्यूस कर देंगे, और रिड्यूस करके क्या बनाएंगे, ये एम ओ एच और हाइड्रोजन गैस, देखो रिडॉक्स हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? क्योंकि अल्कली मेटल की आयन एनर्जी कम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे होंगे, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उनका ऑक्सीडेशन होगा ज़्यादा, और जिनका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है वो अच्छे से क्या होते हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये आपका निकाल दिया, और ये आपका H+ यहाँ आ गया, रिडॉक्स हो गया। अब यार हमें ये सिखाया जाता है कि जो अच्छे से रिड्यूसिंग एजेंट जो अच्छा होगा वो रिएक्शन ज़्यादा अच्छी करेगा, और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने अल्कली मेटल्स की रिड्यूसिंग पावर पढ़ी थी, उसमें लिथियम सबसे आगे आया था, यानी कि लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो लिथियम की रिएक्शन सबसे पहले होनी चाहिए। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा आएगी, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, इनमें अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की तो ये आती है। अब यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, लिथियम अगर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम अगर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे है, तो लिथियम सबसे पहले आएगा, तो ये ऑर्डर में तो लिथियम पहले आना चाहिए, तो सबसे पीछे आ रहा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अब उसका आंसर सुनो, यहां जो एक्सप्लेनेशन होता है वो डिपेंड करता है काइनेटिक्स में। हमारे पास दो तरह के एक्सप्लेनेशन होते हैं, एक थर्मोडायनेमिक और एक काइनेटिक्स। जब जिनको नहीं पता वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अगर आपने काइनेटिक्स नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। काइनेटिक्स जो होती है वो ये कहती है कि अगर सरफेस एरिया बढ़ जाए, थोड़ा सा जिसने नहीं पढ़ा वो भी फील करना, सरफेस एरिया अगर ज्यादा होता है तो रिएक्शन जो है वो ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स, तो रिएक्शन जल्दी होती है, समझ रहे बात को? अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो सरफेस एरिया बढ़ाने पर जो हमारे पास, जल्दी बोलो, सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा दोगे तो सरफेस एरिया बढ़ाने पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। जैसे अगर ये चौक है, अगर इस चौक की रिएक्शन करानी है तो अभी चौक के इतने से पार्टिकल ही रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस चौक का अगर मैं पाउडर बना दूँ और पाउडर बना के मेरे हाथ पे फैला दूँ तो ये सारे पार्टिकल रिएक्ट कर सकते हैं हम,
ये सारे पार्टिकल रिएक्ट कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ने पर रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और रिएक्शन जल्दी होती है, ये काइनेटिक्स बोलती है। तो यहां पर भी क्या होता है कि जब ऑब्जर्वेशन की बात करें तो लिथियम को पानी में डालने पर लिथियम, ये ऑब्जर्वेशन याद करनी है आपको अच्छे से, लिथियम रिएक्ट जेंटली विद वॉटर, बहुत प्यार से रिएक्ट करता है। लिथियम रिएक्ट जेंटली विद वॉटर, सोडियम को पानी में डालते ही जो है वो विग्रसली रिएक्ट विद वॉटर, और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम को जब डालते हैं तो वॉयलेंटली रिएक्ट विद वॉटर, वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं ये लोग। ये कैसे रिएक्ट करते हैं? वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं? वॉयलेंटली। क्लियर सबको? तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्या है, जल्दी बताओ कि, ध्यान से सुनना वापस से, क्या कि अगर आप लिथियम को डाल रहे हैं तो जेंटली रिएक्ट विद वॉटर, सोडियम को डाल रहे हैं तो विग्रसली रिएक्ट विद वॉटर, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम को डाल रहे हैं तो वॉलेंटली रिएक्ट विद वॉटर। अब डाउट ये आ रहा है कि ऐसा ऑब्जर्वेशन क्यों आ रहा है, तो आंसर क्या है सुनना जरा, कि दिस एक्सप्लेनेशन लाई इन काइनेटिक्स नॉट इन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है जरा सुनना, जब लिथियम रिएक्ट करता है पानी से तो रिएक्शन करने पर एक हीट निकलती है, ये हीट ऑफ रिएक्शन इतनी होती है ठीक है कि जैसे लिथियम करेगा, सोडियम करेगा, पोटेशियम करेगा, रुबिडियम करेगा, सीजियम करेगा, ये जब सब रिएक्ट करेंगे पानी से तो हीट ऑफ रिएक्शन निकलेगी। अब ये जो हीट ऑफ रिएक्शन होती है ये इतनी होती है कि पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, अभी बताया था नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो ये हीट ऑफ रिएक्शन इतनी सफिशिएंट होती है कि इन्हें मेल्ट कर देती है, और अगर मेल्ट कर देती है तो मेल्ट होने पर ये क्या होते हैं, सरफेस पर फैल जाते हैं पानी पे, पानी की सरफेस पर फैल जाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, इसलिए वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम कि दिस एक्सप्लेनेशन लाई इन काइनेटिक्स नॉट इन थर्मोडायनेमिक्स, दिस एक्सप्लेनेशन लाई इन काइनेटिक्स नॉट इन थर्मोडायनेमिक्स, व्हेन पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम रिएक्ट विद वॉटर then heat of reaction is sufficient to make it melt or vaporized, फैल जाएंगे। Molten metal has higher surface area, so reaction become faster. ठीक, इसलिए changes आते हैं, बहुत important observation है, बहुत important reaction है, ठीक है। अगला देखो, ये वाली रिएक्शन जो मैं कह रहा था, लिक्विड अमोनिया से, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, ये खतरनाक रिएक्शन है सबसे, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब अल्कली मेटल्स को हम लिक्विड अमोनिया में डालते हैं, इसमें क्या होता है कि जब हम मेटल को किसमें डाल रहे हैं, लिक्विड अमोनिया में, ये देखो X प्लस वाई लिक्विड अमोनिया, तो लिक्विड अमोनिया में डालने पर ये क्या करता है, MnH3X plus E NH3Y और ये माइनस ये प्लस, ये बना लेता है। E का मतलब यहां पर होता है इलेक्ट्रॉन, एल्कली मेटल क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो जब आप इनको डालेंगे अपन किस में, लिक्विड अमोनिया में, तो वहां से क्या बाहर निकलेगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयन एनर्जी कम है, आपने इसको मेटल को डाल के स्टेयर किया जैसे ही लिक्विड अमोनिया में, तो इतनी सी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो कैटायन बनेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन बनेगा, ये जो कैटायन बना ये इस अमोनिया को खींचेगा अपनी ओर, ऐसे, ठीक है, यही वो है जो मैंने बनाया है, उधर देखो E खींच रहा है, E भी अपनी ओर खींचेगा, E कहां से खींचेगा, H से, NH3 में H होगा ना, H पर प्लस चार्ज होगा, तो जब इस तरह से
मेटल कैटायन को हमने डाला, मेटल को डाला किसके अंदर, लिक्विड अमोनिया में, तो ये कैटायन बना और इलेक्ट्रॉन बना और इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, तो ये क्या होगा एक तरह से, ये कहलाएगा अमोनिएटेड अमोनिएटेड कैटायन, और ये जो है वो क्या कहलाएगा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। यहां से सवाल बन रहे हैं बस अभी ये। अब देखो ये पूरा सॉल्यूशन ऐसा है जिसके अंदर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया सॉल्यूशन, अनपेड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कंडक्टर हो गया ये सॉल्यूशन, अनपेड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिससे कि एनर्जी रिलीज हो रही है वो विजिबल रीजन में लाई करेगी और कलर आने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो ये कलर हो गया ब्लू कलर का, और अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन लेकर के आसानी से अपने आप को रिड्यूस कर देगा, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इसकी प्रॉपर्टियां इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, पहला ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कंडक्टर हो गया, और अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका कलर भी आ गया आसानी से ब्लू कलर। और आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसे कहते हैं बर्च रिडक्शन, क्या कहते हैं इसको, बर्च रिडक्शन। दोबारा समझेंगे, जब एल्कली मेटल को आपने डाला लिक्विड अमोनिया में, तो इसने एक मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, क्या उस लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन में कहीं पर भी आपको ऐसा दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, देखो घूम रहा है, हाँ तो भाई इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टर तो हो गया, इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक भी हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को कोई भी आसानी से ले सकता है, तो मतलब वो दूसरे को रिड्यूस कर देगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी हो गया, क्या हो गया ये, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो गया, हाँ रिड्यूसिंग एजेंट भी हो गया, ठीक, और कलर भी आ गया क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी विजिबल रीजन में लाई करेगी आसानी से कलर आएगा। अब ये बर्च रिडक्शन कहते हैं इसको, ये कैसे कहते हैं, अगर आपको याद हो, नहीं हो तो आगे पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना, एन आई सी एन होल फोर माइनस टू, इसमें निकल पर प्लस टू चार्ज है, और ये लिखते हैं यहाँ पर ये एन ए एन एच थ्री लिक्विड, ऐसे करके आप रिएजेंट देते हैं ऑर्गेनिक में, याद है एन ए सोडियम और लिक्विड अमोनिया, वही तो है ये अल्कली मेटल प्लस लिक्विड अमोनिया, तो ऐसे करके लिख के दे दिया, इसने देखो एन आई प्लस टू को रिड्यूस कर दिया, ठीक है, तो ये रिडक्शन हो गया, इसको बर्च रिडक्शन कहते हैं। देखो आप इसमें निकालोगे तो एन आई पर प्लस टू चार्ज था, अब यह निकल पर माइनस क्या आ रहा है, जीरो, क्योंकि साइनाइड पर माइनस वन चार्ज होता है, साइनाइड पर माइनस वन चार्ज होता है, समझ में आया, तो ये क्या कहलाया, बर्च रिडक्शन। अब एक खास बात, अगर हम इस सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ दें, लिक्विड अमोनिया वाले सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ दें, तो ये तुरंत हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, यानी कि अगर NH3 में से, यानी अमोनिया लिक्विड में से हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, वो एमाइड, NH2 बचेगा ना, H निकला तो, यानी कि ऑन स्टैंडिंग दे लिबरेट हाइड्रोजन एंड कन्वर्टेड इन टू देयर अमाइड सॉल्यूशन, मतलब ऑन स्टैंडिंग अगर रख दिया जाए थोड़ी देर तो हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे और हाइड्रोजन लिबरेट करके अमाइड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये अमाइड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कब होते हैं, जब जब ये कैटेलिटिक इंप्यूरिटीज आर प्रेजेंट, यानी कि ये कैटेलिटिक इंप्यूरिटी, मतलब समझो ये इंप्यूरिटियां सॉल्यूशन में होती हैं, और ये इंप्यूरिटियां उस सॉल्यूशन में जब होती हैं तो ये इंप्यूरिटियां उसको अमाइड सॉल्यूशन बनने के लिए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करती है, मतलब ये रिएक्शन को ले जाने की कोशिश और करती है, मतलब अगर ये एब्सेंट हो तो फिर वो सॉल्यूशन अमाइड में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब समझे, स्टेटमेंट क्या आता है कि ऑन स्टैंडिंग दे लिबरेट हाइड्रोजन एंड सॉल्यूशन कन्वर्टेड इनटू इट्स अमाइड सॉल्यूशन, बट If catalytic impurities are absent, then solution becomes stable. मतलब अगर आपसे ऐसा सवाल आ जाए कि highly purified liquid ammonia solution with alkali metal,
क्या अमाइड सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है, क्या हाइड्रोजन लिबरेट करता है? तो आपने लाइन को ध्यान से सुना, उसने लिखा हाईली प्यूरिफाइड अमोनिया सॉल्यूशन, लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन। हाईली प्यूरिफाइड वर्ड बोलने का मतलब समझ गए आप, कैटालिटिक इंप्यूरिटी एब्सेंट है, ये इंप्यूरिटी एब्सेंट है, ये इंप्यूरिटी एब्सेंट है, तो फिर वो लिबरेट नहीं करेगा हाइड्रोजन। दोबारा सुनो, दो स्टेटमेंट सिंपल सिंपल से देसी में, अगर ये पर इंप्यूरिटियां हैं, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा और अमाइड में कन्वर्ट होगा, ये नहीं है तो नहीं होगा। तो अगर प्योर सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड अमोनिया इन अल्कली विद अल्कली मेटल्स लिखा है, प्योर का मतलब ये नहीं है इंप्यूरिटी, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर प्योर नहीं लिखा तो कन्वर्ट होगा। अब एक खास बात होती है कि अगर आपने सॉल्यूशन में अल्कली मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, कंसंट्रेटेड अल्कली मेटल सॉल्यूशन अगर लिया है, तो इसका मतलब अल्कली मेटल अंदर जाएंगे तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन निकालते रहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर निकालते रहेंगे तो वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आने से आपस में टकराते हैं वो, इसे कहते हैं डोमेन थ्योरी। अब ये कई बच्चों को नहीं पता होगा, इसलिए अभी ध्यान रखेंगे आप, जिससे कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कम हो जाता है, ये हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। आपको पता है मैग्नेटिज्म में क्या होता है, जैसे इसका डायरेक्शन इस तरफ आया, इसका इधर आया, जैसे डाइपोल पढ़ते थे ना आप, सिंपल समझना, अगर डाइपोल मोमेंट का एक वेक्टर इधर आया और एक वेक्टर इधर आया तो कैंसिल हो जाता था ना आपस में, और अगर वेक्टर ऐसे आ जाए, कम आ जाए, तो ये मैग्नीट्यूड कम कर दिया उसने एक तरह से। ऐसे ही मैग्नेटिज्म में भी होता है कि अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपस में एक दूसरे टकराएंगे, जिससे कि उनका मैग्नेटिक यानी डोमेन थ्योरी के हिसाब से वो मैग्नेटिक बिहेवियर कम होने लगेगा, और वो डायमैग्नेटिक भी हो सकता है सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड अल्कली मेटल अगर यूज कर रहे हो आप लिक्विड अमोनिया में, तो सॉल्यूशन बिकम्स डायमैग्नेटिक, और उसका कलर भी जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लू से ब्रॉन्ज होने लग जाएगा। ठीक है, ये लाइन भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि कंसंट्रेटेड अल्कली मेटल सॉल्यूशन जब यूज करते हैं तो इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डिक्रीज होता है और वो डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका कलर ब्लू से ब्रॉन्ज हो जाता है। सेम रिएक्शन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी देते हैं, सेम रिएक्शन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी देते हैं। दोबारा से बोलो, सेम, जल्दी बोलो, रिएक्शन अल्कलाइन अर्थ मेटल भी देंगे, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम ये रिएक्शन नहीं देंगे। पूछो क्यों? क्योंकि ये वाली रिएक्शन तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है कैटायन, तो वो इलेक्ट्रॉन जाकर के उस अमोनिया को अपनी ओर खींचता है, जिसे कहते हैं ना अपन हाइड्रेशन, जैसा हाइड्रेशन पढ़ा था कि कोई कैटायन पानी को अपनी ओर खींचता है, वैसे यहाँ कहते हैं अमोनिएशन, अमोनिया को खींचेगा। तो ये दोनों ऐसा सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, क्यों? ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब जब आप इन दोनों को डालोगे, अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल में इनको अगर लिक्विड अमोनिया में डालोगे तो इनका आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, और अगर इनका आयनाइजेशन एनर्जी हाई है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ही नहीं, और अगर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकालेंगे तो फिर हम लिक्विड अमोनिया वाला सोल्यूशन कैसे बनेगा। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम और मैग्नीशियम ये सोल्यूशन नहीं बनाते, बाकी सब बनाते हैं। ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में रिएक्शन कैसे होगी, X प्लस वाई। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखो, M ये बैलेंस कर लेना, मतलब जो भी है, यहां पर ये मेटल होगा तो दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो, दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पे, दो प्लस यहां आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, आया ना, बोलो। तो ये दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इसमें ये वाला जो ये वाई है, ये चार नहीं है भाई, क्लियर? ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो ये ड्यू टू हाई हाइड्रोजन एनर्जी ये वाली चीज अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं करेंगे, क्लियर?
एक खास बात आती है। अब जब ये इस तरह से मेटल की बात करेंगे तो एल्कली मेटल तो प्लस वन से अट्रैक्ट कर रहा है अमोनिया को, ये प्लस टू से कर रहा है। बस एक ही अमोनिया बना रहा हूं मैं ना समझने के लिए, कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी ओर? ऑब्वियस सी बात है कि प्लस टू अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि प्लस टू अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो जब हम लिक्विड अमोनिया को बॉइल करते हैं तो एक सवाल पूछेगा, बॉइल करने पर मेटल कैन बी रिकवर्ड, मेटल कौन से वाले केस में मेटल रिकवर्ड होगी, इस वाले केस में होगी या इस वाले केस में होगी, ये पूछ रहा है वो। क्या बोल रहा है, मेटल कैन बी रिकवर्ड तो इस केस में होगी या इस केस में? तो आसान बताओ, इस केस में मेटल कैन बी रिकवर्ड क्योंकि यहां अट्रैक्शन कम है, तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन कम होगा तो बॉइल करने पर हट जाएगा। और अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में बॉन बॉइलिंग अमोनिएट्स कैन बी रिकवर, यानी कि वो पूरा का पूरा मेटल प्लस NH3 अमोनिएटेड कैटायन जो बना था वो बाहर निकलेगा, उसको ही अमोनिएटेड अमोनिएट्स कहा जा रहा है। तो स्टेटमेंट पूछेगा आपसे कि इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स मेटल कैन बी रिकवर्ड ऑन बॉइलिंग, यस, एंड इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल अमोनिएट्स कैन बी रिकवर्ड। ठीक है, अच्छा जब हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन और पढ़ेंगे कि यूरोपियम और इटरबियम इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बराबर होती है, तो ये भी अमोनिया के साथ ये सॉल्यूशन बनाते हैं। तो एफ ब्लॉक के अंदर भी दो एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड अमोनिया के साथ ये सॉल्यूशन बनाएंगे, इनको कहते हैं यूरोपियम और इटरबियम। क्या कहते हैं इनको? यूरोपियम एंड इटरबियम। ठीक, ये आपका अल्कलाइन अर्थ सॉरी अल्कली मेटल्स की रिएक्शन है समाप्त हुई। ठीक, बाकी नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ना, और आयनिक बॉन्ड पढ़ा हुआ होगा, रिवाइज्ड होगा, लर्न किया होगा अच्छे से, तो एस ब्लॉक की फील आएगी, वरना आपको फील कम आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आयनिक बॉन्ड को रिवाइज कर लेना अच्छे से, एस ब्लॉक चालू करने से पहले बढ़िया से लर्न कर लेना उसको एक बार रिवाइज, ताकि आप इसे कनेक्ट कर पाओ कि मैं क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।